CN01/2018 LP टेक्नीशियन के मेडिकल फिट कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है, उन्हें दो बोर्ड से पैनल देखने को मिल रहा है। पहला पैनल है आपका RRB इलाहाबाद से, जहां से कि टोटल 308 छात्रों का डाइवर्जन किया गया है SECR बिलासपुर में, और दो कैंडिडेट को विथहेल्ड किया रखा गया है। उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है या फिर मेडिकल का कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि इसमें क्लियरली दे दिया गया है जिन भी छात्रों का वेटिंग क्लियर हुआ है उनका रीमेडिकल फिर से होगा, जो कि पहला था, और रीमेडिकल का सारा प्रोसेस वो SECR बिलासपुर करेंगे। उसके बाद आप लोगों को दूसरा पैनल देखने को मिल रहा है भुवनेश्वर से, जहाँ से कि टोटल 87 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हुआ है, और इनका सारा चीज़ वो जोनल रेलवे PCPO भुवनेश्वर देखेंगे, मेडिकल रीमेडिकल का जो इशू है। तो लगभग भुवनेश्वर से 100% वेटिंग क्लियर हो गया LP का, इलाहाबाद से 100% वेटिंग क्लियर हो गया, उसके बाद अहमदाबाद से हो गया, मुंबई से हो गया। तो अब रिमेनिंग जो बच गया है, आप लोगों को पता होगा कुछ बोर्ड से वो भी धीरे धीरे आते जाएंगे। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन का। आप लोगों को पता होगा कि 14 मई को सर्कुलर जारी हुआ, उसके बाद फिर डिमांड दिल्ली गया और 7 जून को अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल मिलने के बाद आप लोगों को पता होगा कि कुछ RRB से पैनल पब्लिश हो गया, जैसे कि ईस्टर्न कलकत्ता से 50 का डिमांड था, इंडेंट प्लस रिप्लेसमेंट मिला के वहाँ से 60 का पैनल आया, ECOR 136 का डिमांड था, 100 प्लस का पैनल आ गया। अब वहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे बचे हुए हैं, उनके लिए भी काम चल रहा है, और जो 136 था इसमें जो 36 बच रहा है वो शायद NEC वाली सीटें हैं। NCR इलाहाबाद का पैनल आ गया, NFR गुवाहाटी का 75 का, सॉरी सिल्लीगुड़ी में 75 का डिमांड था जो कि 51 नंबर कैटेगरी में था, 52 का पैनल आ गया। WCR भोपाल में 15 का डिमांड था और यहां से भी ये पैनल आ गया, और 132 के आसपास ये सीटें आपको अहमदाबाद जोन की मिली। फिर WR में जो 763 का डिमांड था, 30 प्लस यहां से भी वेटिंग क्लियर हो गया। अब जो बच रहे हैं 4-5 वो बच रहे हैं RWF 8 साउदर्न रेलवे से 39, SECR बिलासपुर से 25, SWR 64 और सेंट्रल से 665। तो ये जो पहले अप्रूवल का जो डाटा बच रहा है, ये रिमेनिंग 4-5 बोर्ड, यहाँ से अभी तक पैनल देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी बात से मिल गया तो ये 12 जोनल रेलवे में, ये 4-5 जोनल रेलवे को क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को देखना चाहिए, अपने RRB से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हमारा अप्रूवल जब सब चीज़ पहले हुआ है तो आप हमारा पैनल भी पहले LP के तरह, और जैसे रिमेनिंग सभी टेक्नीशियन के जितने भी जोनल रेलवे ने डिमांड किया था वो अगर दिए तो आपको भी देना चाहिए, और जल्द से जल्द, क्योंकि आप लोगों को पता है 7 जून को ही अप्रूवल का डिमांड मिल गया था, तो आज लगभग 21 हो गया, लगभग 1.5 महीने का समय हो गया। 1.5 महीना का पर्याप्त समय है आपको पैनल बनाने के लिए, क्योंकि जो ऑफिसर पैनल बना रहे हैं वो लोग ही पहले बोला करते थे कि आप अगर आज सुबह तक डिमांड आएगी तो शाम तक हम पैनल पब्लिश कर देंगे, और लगभग यहाँ पे 1.5 महीने का समय हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने RRB कंसर्न ज़रूर करेंगे और पैनल जल्द से जल्द अपना कोशिश करेंगे निकलवाने का। मिलते हैं किसी अगले अपडेट में, और जिन भी छात्रों का वेटिंग क्लियर हुआ इन दो बोर्डों से उन सभी के साथ हमारी शुभकामनाएँ हैं, आप लोगों का रीमेडिकल भी अच्छे से हो जाए, आप लोग पास हुए और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और उम्मीद है रेलवे के साथ साथ अपने माता पिता के भी लाइफ में खुशियां लाएं।